गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी हैव टू रीड सेकेंड क्लास चैप्टर नंबर 5। आवर चैप्टर नेम द कीबोर्ड एंड इट्स फंक्शन। द कीबोर्ड एंड इट्स फंक्शन। इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न नोइंग अ कीबोर्ड। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? कीबोर्ड के बारे में, नंबर्स की क्या होते हैं, अल्फाबेट कीज क्या होते हैं एंड स्पेशल्स की क्या होते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कीबोर्ड है क्या। तो व्हाट इज कीबोर्ड? कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। इट हैज मैनी कीज। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, उसके पास बहुत सारे कीज होते हैं। बट देयर आर मेनली थ्री टाइप ऑफ की। कितने टाइप्स के की होते हैं? थ्री टाइप के। फर्स्ट इज नंबर की, अल्फाबेट कीज एंड स्पेशल कीज। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अ कीबोर्ड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कीबोर्ड क्या है? एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। इट हैज मैनी की ऑन इट। इसके पास बहुत सारे कीज होते हैं। दीज कीज आर यूज टू टाइप लेटर, नंबर एंड सिंबल। ये लेटर किस लिए यूज होते हैं? लेटर, नंबर और सिंबल टाइप करने के लिए। दिस इज अ कीबोर्ड। दिस इज अ कीबोर्ड। लेट्स सी कीबोर्ड। कीबोर्ड में मेनली थ्री टाइप्स की कीज होते हैं। वैसे तो उसपे बहुत सारे कीज होते हैं, लेकिन मेनली हम कितने कीज होते हैं हमारे पास? थ्री टाइप के। न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज कौन से होते हैं? जो नंबर कीज हैं, दैट इज अ न्यूमेरिक। न्यूमेरिक कीज, न्यूमेरिक जो ये हमारे नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 0। जो 1 से लेके 0 तक जो कीज है दैट इज अ न्यूमेरिक की। वो कौन से होते हैं? न्यूमेरिक की। अल्फाबेट की कौन से होते हैं? A to Z। ये A to Z ABC लिखी हुई है, ऑर्डर में नहीं लिखी हुई, आगे पीछे लिखी हुई है, लेकिन ये A से लेके Z तक है। पूरी A से लेके Z तक है, 26 इसमें अल्फाबेट है। तो ये कौन से है? अल्फाबेट कीज। और स्पेशल कीज, जो ये स्पेशल कीज, ये 1 के ऊपर जो ये सिंबल बने हुए हैं, जो एंटर कीज, ये कैप्स लॉक कीज, स्पेस बार कीज, बहुत सारी कीज है, ये कौन से है? स्पेशल कीज है। कैप्स लॉक, इससे क्या करते हैं? हम लेटर को कैपिटल करते हैं। लॉन्गेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड, स्पेस बार। एरो, देयर आर 4 टाइप ऑफ एरो। अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। एंटर की, देयर आर 2 एंटर की ऑन अ कीबोर्ड। सो लेट्स स्टार्ट अल्फाबेट की। अल्फाबेट कीज हैव लेटर ऑन देम फ्रॉम A to Z। अल्फाबेट की में क्या होता है? लेटर होते हैं जो A से लेके Z तक होते हैं। बट दे आर नॉट गिवन इन ऑर्डर, परंतु वो ऑर्डर में नहीं दिए होते, वो आगे पीछे लिखे हुए हैं। अल्फाबेट आर 26। अल्फाबेट कीज कितने होते हैं? 26। अगर इनको काउंटिंग करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो ये कितने हैं? 26। वी कैन टाइप वर्ड एंड सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट की। हम वर्ड टाइप, जो वर्ड टाइप करेंगे, कोई भी अल्फाबेट लिखेंगे, अपना नाम एंटर करेंगे, तो किसकी हेल्प से करेंगे? अल्फाबेट की हेल्प से। नेक्स्ट है नंबर कीज। नंबर कीज हैव नंबर ऑन देम। दीज आर 10 इन नंबर। नंबर कीज क्या होते हैं? जिन पे नंबर्स लिखे होते हैं, ऐसा नंबर की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये काउंटिंग में कितने हैं? 10। देयर आर 10 नंबर की ऑन अ कीबोर्ड। That is the form of from 0 to 9। वो कहां से स्टार्ट है? 0 से 9 तक। नंबर की आर प्रेजेंट अबव द अल्फाबेट की आर प्लेस इन ऑर्डर। जो अल्फाबेट की है वो किसके ऊपर होते हैं? नंबर की किसके ऊपर होते हैं? अल्फाबेट की के ऊपर। और जो नंबर की है वो ऑर्डर में होती है 1 से लेके 0 तक। वी कैन टाइप अवर एज, रोल नंबर, हाउस नंबर। हम अपना रोल नंबर, हाउस नंबर, अपनी एज किस की से लिखेंगे? नंबर की से। द नंबर की आर ऑल्सो प्रेजेंट द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड आर कॉल्ड न्यूमेरिक की। जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के राइट साइड में भी कीज होते हैं, उन्हें भी हम क्या कहते हैं? नंबर कीज कहते हैं। वो इस तरह के दिखते हैं।
का। नेक्स्ट इज कैप्स लॉक की। द कैप्स लॉक की यूज टू टाइप लेटर इन अ कैपिटल। कैप्स लॉक की किस लिए यूज होता है? कैपिटल लेटर लिखने के लिए। व्हेन यू प्रेस कैप्स लॉक की वंस द कैप्स लॉक लाइट विल बी टर्न ऑन। जब आप कैप्स लॉक की प्रेस करोगे तो क्या होगा? कैप्स लॉक की लाइट ऑन हो जाएगी और कैप्स लॉक ऑन हो जाएगा। प्रेस द कैप्स लॉक अगेन। दोबारा जब कैप्स लॉक को प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा? लाइट ऑफ हो जाएगी और कैप्स लॉक ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटर की। एंटर की यूज टू ब्रिंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन ऑन द मॉनिटर। एंटर की किस लिए यूज होता है? जो कर्सर होता है हमारा उसको नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए। अ कीबोर्ड हैज टू एंटर की। कीबोर्ड के पास कितने एंटर की होते हैं? टू एंटर की। नेक्स्ट है एरो की। देयर आर फोर एरो की। अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। द यूज अप एरो इज यूज टू मूव द कर्सर अप, जो कर्सर को ऊपर ले जाने के लिए यूज होता है। डाउन एरो इज यूज टू मूव द कर्सर डाउन। डाउन एरो से क्या होता है? कर्सर को हम डाउन में ले जाते हैं। लेफ्ट एरो से हम लेफ्ट में ले जाते हैं कर्सर को, और राइट एरो से राइट में ले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा बैक स्पेस की। बैक स्पेस की इरेज द लेटर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। हमें कोई भी की को, कोई भी वर्ड को इरेज करना है तो हम क्या यूज करेंगे? बैक स्पेस। वो क्या करेगा? लेफ्ट साइड से लेटर को डिलीट करेगा। एंड लास्ट वन इज डिलीट की। द डिलीट की इरेज द लेटर टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर। डिलीट की क्या करेगा? राइट साइड से डिलीट करेगा। तो आज हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? कीबोर्ड। व्हाट इज द कीबोर्ड? कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस। इट हैज मैनी की एंड देयर आर मेनली थ्री टाइप ऑफ की। फर्स्ट इज अल्फाबेट की। अल्फाबेट की यूज टू टाइप अप अल्फाबेट अल्फाबेट एंड देयर आर 26 अल्फाबेट की। एंड नंबर की यूज टू टाइप अ नंबर। देयर आर 10 नंबर की। एंड अनदर जो भी हमने कीज पढ़े, डिलीट, स्पेस बार और बहुत सारे सिंबल है, दैट्स आर अ स्पेशल की। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।